सी इंटर कॉलेज लकड़ा बाग बाराबंकी। आई एम हेयर टू टीच यू ज्योमेट्री। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो सेंड की है, तो उसमें आपका टेंजेंट और इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। हम लोगों ने सर्कल शुरू कर दिया था, क्योंकि रिवीजन पीरियड चल रहा है और हम लोग अपने घरों में हैं, तो रिवीजन के थ्रू हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से आपका टेंजेंट रिवीजन करा दिया जाए। तो उसको देखते हुए कि आप मेरा आप में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। टू ड्रॉ द टेंजेंट टू अ सर्किल ओ एट अ गिवन पॉइंट पी ऑन इट व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन। बोला गया है कि अगर कोई सर्किल दी हुई है और उसमें जैसे ये सर्किल दी हुई है, क्वेश्चन में बोले हैं कि टू ड्रॉ द टेंजेंट अ सर्किल ओ एट अ गिवन पॉइंट पी ऑन इट व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन। अगर कोई सर्किल दी हुई है उस पर एक पॉइंट पी दिया हुआ है और हमें सर्किल का सेंटर ज्ञात नहीं है यानी नोन नहीं है, क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर से इसके जो सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट दिया है पी, तो ये हम पी मान लेंगे। पी मानने के बाद क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर को ए मान लिया, तो ए और पी पे एक डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद पी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम वही 90 डिग्री वाला मेथड इसको यूज करेंगे। तो कभी भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ नहीं की जाती है, ऑलवेज 90 डिग्री का पूरा मेथड शो किया जाता है। तो इसके लिए इस पॉइंट पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल ऐसे यूज करते हुए परपेंडिकुलर डालेंगे और उस परपेंडिकुलर को डालते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारे सर्किल का ये टेंजेंट हो गया। तो होगा क्या ये कि अ सर्किल ड्रॉ अ सर्किल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ या ए, जो भी सेंटर का सर्किल का सेंटर आपने दिया हो, ज्वाइन ओपी, इस तरह आपने ओपी या एपी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हम कोई भी चीज की नेमिंग जरूर करते हैं। ओपी एट पी ड्रॉ लाइन एक्स वाई अप परपेंडिकुलर। अब आपने इसमें क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ करी, उसके साथ ही सेंटर को पी से जोड़ा, पी पे परपेंडिकुलर डाल दिया और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए टेंजेंट ड्रॉ हो गई। देन हमारा कंक्लूजन यही निकला। तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि एक्स और वाई, तो एक्स देन एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन इट इन द सर्किल। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट आउट करिए। टू ड्रॉ द टेंजेंट अ सर्किल एट अ गिवन पॉइंट पी व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नॉट नोन। फर्स्ट क्वेश्चन में था नोन, सेकंड क्वेश्चन में नॉट नोन, अंतर कितना है कि जब हमें सेंटर ज्ञात हो, एक क्वेश्चन में ये है, एक क्वेश्चन में है, अगर सेंटर ज्ञात ना हो यानी अननोन है सेंटर। तो सबसे पहले फर्स्टली क्या करेंगे, ड्रॉ अ गिवन सर्किल एंड मार्क गिवन पॉइंट पी और इन सर्कमफ्रेंस। तो आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ये हमारा सेकंड कंस्ट्रक्शन हो गया। तो फर्स्टली आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, कोई भी, क्योंकि सर्किल का कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले एक सर्किल ड्रॉ करोगे और उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पी पॉइंट दिया है, पी पॉइंट दिया है सर्कमफ्रेंस पे। तो सेंटर क्योंकि ज्ञात नहीं है और पॉइंट पी एक इस पे दिया हुआ है, इसके बाद क्या करना है कि विद द सेंटर पी अ सुटेबल रेडियस ही सर्किल इंटरसेक्ट इन द अनदर सर्किल। यानी आप एक कोई भी सुटेबल रेडियस लेके पी पॉइंट से एक दूसरा सर्किट ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे जब दूसरा सर्किट ड्रॉ करोगे तब क्या होगा, दूसरा सर्किट, पहले सर्किट पे जब हम दूसरा सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, पहला पॉइंट ये और पहला पॉइंट ये, कि पहले वाले सर्किल पे सेकंड वाला जो सर्किल है उसका पॉइंट कहाँ टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है। अब इसकी हम नेमिंग कर देंगे, ये हो गया M और ये हो गया N और इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से ये डॉटेड लाइन से मिला लिया। कितना हुआ, पहले एक सर्किल लिया, सर्किल के बाद कोई सुटेबल रेडियस लेके P पॉइंट लेके दूसरा सर्किल ड्रॉ कर दिया, दूसरे सर्किल के बाद जहां पे वो दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हो वहां से एक डॉटेड लाइन से एक रेडियस एक लाइन ड्रॉ कर ली जो M और N से पॉइंट आउट की जाती है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई अपनी स्केल रख के, जैसे ये मान लीजिए मेरी स्केल है और यहाँ पे रख के हम P पॉइंट तक इसको ले जाएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यही मेरी टेंजेंट हो जाएगी।
तो हमारी जो टेंजेंट हुई थी हमने इसको x मान लिया एंड y मान लिया। तो नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या निकला, एक्स पी वाई इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, एक्स पी वाई इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड आपका ये है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है नोट आउट करिएगा, टू ड्रॉ द टेंजेंट अ गिवन आर्क एट अ गिवन पॉइंट पी व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नॉट नोन। अभी तक क्या था बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्किल ड्रॉ किया था जिसका सेंटर ज्ञात था यानी नोन था, दूसरा क्वेश्चन था जिसका सेंटर अननोन था। अब इसमें और क्या पूछा है, मैजिक है, इसमें पूछा है कि नोन या नोन की तो बात ही नहीं, कि उन्होंने आर्क का सेंटर पूछा है कि जो नोन नहीं है, तो किसी आर्क का सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम एक आर्क ले लिया, ऐसे ऐसे एक आर्क बना लिया, आप भी कोई सुटेबल रेडियस से आर्क ड्रॉ कर लोगे ऐसे, और उसको उसकी नेमिंग कर दोगे पी एंड क्यू। पी क्यू की नेमिंग करने के बाद आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दिया। उसके बाद क्या करना है, इसका बाइसेक्ट कर लोगे, पी क्यू की जो लाइन लाइन है इसका बाइसेक्ट कर लोगे। हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था कि किसी भी आर्क का बाइसेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, सेम वही मेथड है, ऐसे हम लोगों ने किया था नाइन्थ के आर्क का बाइसेक्ट। तो आप इसी आर्क का बाइसेक्ट करोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आप इसको बाइसेक्ट करोगे, पी को सेंटर मान के इधर से, फिर इधर, फिर क्यू पे डिक्टो वही चीज, और उसके बाद इसका बाइसेक्ट कर लोगे ऐसे। बाइसेक्ट करने के बाद हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, एक होता है एम जो यहाँ पे टच कर रहा है और एक दूसरा है आर जो यहाँ पे टच कर रहा है। तो उसके बाद क्या कर देंगे, ज्वाइन पी और एम आर, पी आर को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये पी आर ज्वाइन हो गया। पी आर ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, मेक एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर। अब आपने आप देख रहे होंगे यहां पर एक आपका एंगल शो कर रहा है क्यू पी आर, एक एंगल शो कर रहा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमको दूसरा एंगल शो करना है, दूसरा एंगल शो करने के बाद इसका यहां से हम क्या करेंगे, एक हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब हमें ये रेडियस मिल जाती है इस एंगल की, क्यू पी आर की ये रेडियस जो लेके ये हम अपने प्रकार में कंपास में लेके उसके बाद एक ऐसे आर्क लगा देते हैं, सेम यही रेडियस से एक आर्क लग जाएगा यहां का सेंटर मान के, और जब ये आर्क लगेगी यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो यहीं से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से, यानी इस आर्क का ये टेंजेंट हो जाएगा। तो देन पीएस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, अब इसको हम एस मान लिया, तो पीएस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल टेंजेंट इन आर्क, इस तरह से हमारा इसका कंक्लूजन निकला। पहले ये तीनों क्वेश्चन देखिए, अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करिए और बात करिए।